इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, आठ लोग मारे गए, उस एरिया को न तो बंद किया गया पुलिस द्वारा, न वहाँ फोरेंसिक टीम गई, न वहाँ के सबूत दिए गए, न वहाँ की मिट्टी ली गई, तो इतनी बड़ी जो असावधानी हुई है, इसके बारे में आपका क्या? बगैर उसके इस तरह के बयानबाजी ना करें कि समझौता हो गया और पैसे पर समझौता हो गया। ये जो चार दिन का पूरा प्रकरण लखीमपुर खीरी का जो ये हुआ है, ये जो घटना यहाँ पे हुई है, उसमें आज जो लास्ट टू था उसका अंतिम संस्कार करवाया और दोबारा पीएम हुआ एक बॉडी का, उसकी क्या रिपोर्ट आई होगी वो पूर्ण रूप से अभी बंद है और अधिकारी के पास वो होगी। लेकिन जो भी समझौते हुए उसमें फिर मंत्री का एक बयान आया कि हमारा और किसानों का समझौता हो गया। किसका बयान है? किसी मिनिस्टर का बयान आया, वो शायद आपके पास में आ जाएगा, भी आज नहीं होगा तो आ जाएगा, कि हमारा किसानों का समझौता हो गया। बात्रा ने प्रेस किए, उन्होंने कहा, हाँ किसने भी कहा है, हमारा पैसों पर समझौता नहीं है किसान का। अगर सरकार पैसों पे समझौता करना चाहती है तो अपना अकाउंट नंबर बता दें, जो पैसे दिए हैं वो पैसे हम उसके सरकार को वापसी दे देंगे। हमारा समझौता इतना था कि इनका दाह संस्कार हो जाए, हम बॉडी पे कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं हमारा है, क्योंकि उसमें बहुत सी सिचुएशन आती है। अधिकारियों ने और जो हमारे किसान संगठन के लोग थे, उन्होंने जो परिवार के लोग थे, उन सब लोगों की सहमति से जो भी निर्णय हुआ, सबकी सहमति से निर्णय हुआ। करीब 10,000 से ज्यादा लोग वहां पे परसों भी मौजूद थे, दो दिन पहले, और हालात क्या थे उसको देखते हुए ये हुआ। सरकार ने एक हफ्ते का टाइम मांगा है, तो जो मंत्री हैं बगैर उसके इस तरह के बयानबाजी ना करें के समझौता हो गया और पैसे पर समझौता हो गया। हमारा समझौता है भारत सरकार का, जो होम मिनिस्टर है वो इस्तीफा दे, जिसने कर्मकांड करवाया है। हमारा समझौता है कि उसका लड़का जो टंडी टंडी है, उसका लड़का गिरफ्तार हो और इसमें एक हफ्ते का टाइम है, पुलिस प्रशासन ने एक हफ्ते का टाइम मांगा है। जिस दिन यहाँ पे भोग रसम पगड़ी होगी, जो भोग होता है वो होगा, उस दिन हम कैड़ा निर्णय यहाँ पे लेंगे। गलत तरह की बयानबाजी वो कतई बर्दाश्त नहीं होगी। एक ये फैसला हुआ है, अधिकारी वहां पे थे, सब लोग वहां पे मौजूद हैं। फैसले में ये भी है कि एक हफ्ते में गिरफ्तारी होगी, नहीं तो हम पूरा कैडा निर्णय, पूरे देश भर के लिए सख्त निर्णय हम लेंगे, ये हमारा फैसला है। उस कड़े निर्णय में क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? क्या पता जी कड़े निर्णय में क्या लेना है। संयुक्त मोर्चा आएगा, सब लोग यहाँ पाएंगे और जब यहाँ भोग होगा और उनका भी चारों लोगों का एक ही जगह वो रखा जाएगा, अंतिम अरदास, हाँ अंतिम जो अरदास होगी वो एक ही जगह होगी चारों की। अब अपने घर पे जो रसम वो उनको प्रोग्राम करना है वो कर लेंगे, और जो अंतिम अरदास होगी वो यहाँ की जो कमेटी है वो तय कर लेगी कि किस जगह उसका प्रोग्राम रखा जाएगा, कौन सी डेट होगी। सरकार को उस तक का ही टाइम है। ये आंदोलन यहाँ से आंदोलन स्थगित नहीं करा, सिर्फ उनकी जो अंतिम संस्कार था वो हो जाए, वो हो गया। आज से पुलिस प्रशासन अपने काम पर लग जाए, हमको अंतिम अरदास तक हमको रिजल्ट चाहिए।
क्या तब तक आप यहाँ रुकेंगे? नहीं नहीं, हम आज चले जाएंगे, हम नहीं रुकेंगे, हम उसी दिन यहाँ आएंगे। आपने बोला इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी गृह मंत्री, अरे क्यों नहीं गृह मंत्री, अगर अभी मुकदमा तो नहीं हुआ गृह मंत्री पर? नहीं नहीं, उसमें 120 बी में है, 120 बी में मुकदमा है, छेड़खानी कुछ नहीं होगी, जो हमने दिया है और जो उन्होंने हमको दे दी कॉपी, उसमें कोई छेड़खानी ना करें, वो सब मीडिया को, उसको यहाँ से नेट नहीं चल रहे, नहीं तो सब मीडिया को उसको वो दे दिया हमने। यहाँ पे भी हमको टिकैत जी, एक सवाल आपसे है, बताओ जी, कि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, हाँ जी, 8 लोग मारे गए, हाँ जी, उस एरिया को न तो बंद किया गया पुलिस द्वारा, न वहाँ फोरेंसिक टीम गई, न वहाँ के सबूत दिए गए, न वहाँ की मिट्टी ली गई, तो इतनी बड़ी जो असावधानी हुई है, इसके बारे में आपका क्या कहना? भाई इसके बारे में तो बताएगी सरकार, मैंने इसके उसमें सरकार बताएगी, अधिकारी बताएंगे। अच्छा, दूसरा बड़ी चर्चा थी आप लोगों की कि किसी के गोली लगी है, पीएम में गनशॉट इंजरी नहीं आई है, तो आप इस बारे में गोली बताएगी, जो उसकी रिपोर्ट है वो बताएगी, गोली वहां पर चली, चलती हुई सबने गोली देखी, और आप वीडियो देखोगे तो उसमें भी गोलियों की आवाज है, वो डॉक्टरों की टीम ने करा होगा, लगी नहीं होगी, वो उसकी जो टीम है वो बताएगी, हम पूर्ण रूप से उनपे जो डॉक्टर है उस पर पूरा विश्वास है, 5 लोगों की वहां पर डेथ हुई जो किसान थे, हम पंचू के घर गए, पंचू को पूर्ण रूप से मुआवजा मिले, उनको नौकरियां मिले, उनकी जो जांच है वो हो और इनकी गिरफ्तारी हो, किसी दूसरे आदमी की रिपोर्ट दर्ज ना हो, ये भी उसमें है, क्योंकि बदमाश थे, खुखार वाले बदमाश थे, जो आदमखोर हो जाते थे, वो दूसरे लोग भी थे आदमखोर, जिसको शायद सर रिपोर्ट दर्ज हो गई है शायद उधर से भी, हमारा पूर्ण रूप से उस पर ऐतराज है सरकार का, उस दिन ये बात हुई थी कि रिपोर्ट दर्ज और की नहीं होगी। पांचवा जो वो किसान है जो कश्यप था और पत्रकार भी है, उसको पत्रकार कहते हैं लेकिन वो किसान था, वो एक अपना दूसरा व्यवसाय करता था, किसान है वो, और उसकी भी डेथ गाड़ी के टक्कर लगने से, उसके नीचे गिरसने से उसकी डेथ हुई। इतिहास साहब एक सवाल चाहेंगे, आप बताओ, जैसे कि बताया जा रहा है कि आतंकवादियों का माना, जैसे खालिस्तानी आतंकवादी के नारे लगाए गए मीडिया में आ रहा है, इसके बारे में आपकी क्या प्रक्रिया? वो प्रक्रिया होगी क्या है, वहाँ पे कोई नारे इस तरह के नहीं लगे, ना वहाँ पे किसी की दूसरे की मीटिंग हो रही थी, ठीक है, उसका कोई सवाल ही नहीं है। वहाँ पे जो घटनाक्रम हुआ, 3 गाड़ियों से वहाँ पे उनको कुचलने का काम करा गया, वहां नारे किसके लग रहे थे, वहां तो किसी के लोग बचाने का अपना रास्ता नहीं था। वीडियो में दिखा रहे हैं 3 मार की आती है, आतंकवादी है, उपद्रवी है, खालिस्तान के ड्रेस पहने, किसी बच्चे की वो शर्ट है, ठीक है जी, वो चलो टी शर्ट, बच्चे की एक टी शर्ट है, उस टी शर्ट पे किसी का फोटो है, फोटो भिंडरा वाले का, कुछ लोग उसको संत मानते हैं और सरकार की नजरों में उसको आतंकवादी मानते हैं। एक और सवाल बताओ कि जो पीट पीट के मारे गए भाजपा कार्यकर्ता, तो क्या नहीं भाजपा कार्यकर्ता नहीं थे वे, किसी के कार्यकर्ता थे वे थे जिन्होंने लोगों को कुचल कर मारा, लोगों को करा, वो भीड़ ने क्या करा होगा वो आप भी सब लोग जानते हैं, जब कोई किसी को मारता है 15-20 लोग घायल करे और 4-5 लोगों को मार दिया गया, तो भीड़ है गुस्से में क्या हो गया होगा, वो खूंखार लोग थे सर। 4 तारीख को हम लोग गए थे, जो मीडिया कर्मियों को खदेड़ा गया वहाँ पे, उन पर वार किया गया 4 तारीख को जो हम लोग पहुंचे थे। 4 तारीख में कहाँ पे, जब वहाँ हम अंदर स्कूल में थे, अंदर स्कूल में थे तो हम लोगों को खदेड़ा गया, एक समाचार प्लस का रिपोर्टर था, कैमरा मैन थे उसको, अरे इन्हीं के लोग घुस जाते हैं भाई, जो मानसिकता जिनकी बीजेपी की खराब हो वे आ जा, हम पत्रकारों के साथ में ना हमने कभी दुर्व्यवहार करा ना हम कर सकते हैं, हम पत्रकारों की जो हमारे उसमें वो है ऊपर ले वाला तो वो है, नीचे हमारी जो मदद करता है वो प्रेस करती है। अंतिम अरदास वो डेट रखे तमाम पत्रकार पीटे गए, वो पुलिस ने करा होगा, हमारे
नहीं नहीं किसने गलत कह रहे हैं। अच्छा किसान आंदोलन के बारे में बताइए जो आप। किसान आंदोलन जब तक भारत सरकार 3 कानून वापसी नहीं लेगी, MSP पे गारंटी कानून नहीं देगी, आंदोलन हमारा जारी था है और रहेगा। यहाँ से आपकी क्या प्लानिंग है, कहाँ जा रहे हैं? हम अब वापसी चले जाएंगे, अभी तो यहाँ रुकेंगे 1-2 घंटा। पूरी जो फौज है हमारी वो करीब उसको 30-35 घंटे हो गए, फौज सारी लेटेगी तो वह उठ जाएगी। हमारे पूरा पायलट और वे जब उठ जाएंगे जब हम जाएंगे। 3 तारीख की घटना के बाद से आपको लगातार 6 तारीख तक यहाँ लखीमपुर में कैंप करना पड़ रहा है। हाँ कैंप करना पड़ा। इसको क्या माना जाए कि अभी कुछ कोई विवाद के बिंदु बचे हैं? नहीं नहीं विवाद के बिंदु नहीं, जो थे वो सब आपसी सहमति से। अभी विवाद तो यह है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाए और 8 दिन का समय 7 दिन का सरकार ने लिया है अधिकारियों से। अभी एक गिरफ्तारी किसने किया उससे संतुष्ट है? इस्तीफा तो देना पड़ेगा उसको, 120B का मुलजिम है और उनकी पूरी जांच होनी चाहिए। खैर जो गांव के लोगों ने बताया, खैर और चंदन की चोरी करता था, डीजल का अवैध व्यापार करता था, यहाँ से फर्टिलाइजर नेपाल में भेजता था। कौन करता था ये, किसको? अरे वो मंत्री ने क्या है, टेनी टेनी हो अजय टेनी को उसका ना अजय टेनी, 3 नाम नहीं हो सकते उसके पकड़े, अजय टेनी। सर एक बात ये है कि वो अपने कार्यालय में बैठे हैं, काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी कोई भूमिका नहीं थी इसलिए उनके इस्तीफे। देखो उसकी सपोर्ट लड़के की गिरफ्तारी, उसका इस्तीफा 120B में है तो गिरफ्तारी। किसे ही ये सब लोगों ने निर्णय लिया है, ये अकेले हमारा नहीं है, ये सबका निर्णय है। वो आज शायद आज या कल वो बता देंगे, यहाँ के लोग जो कमेटी है वो बता देंगे। यहाँ की कमेटी के हेड कौन है? ये तो सब हेड ही है यहाँ के, वो किसी परिवार से नहीं होते। जब कोई आंदोलन में मेरा चैनल आपका चैनल समाज का चैनल देश का चैनल ND News 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।